हेलो स्मार्ट बायर्स, इस सोफे को एक महीने से ज्यादा हो गया है। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियोस डाला था, आपने देख चुके होंगे या फिर आप देख सकते हो जाके मेरे चैनल पर। जब मैंने लिया था उसके 3 से 4 दिन के बाद ही बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया, क्योंकि गेस्ट आए थे तो उन्होंने इसको यूज किया, तो ये अच्छा खासा बच्चों वगैरह के थ्रू भी बहुत सारा यूज हुआ है। तो इसको एटलीस्ट मोर देन 20 गेस्ट ने इसको यूज किया है, एक महीने से ज्यादा हो गया है इसको यूज करके। जो पिल्लो कवर है ये थोड़े से मैले हो गए हैं कंसिस्टेंट यूज होने की वजह से। वैसे भी अगर देखा तो इसकी क्वालिटी कुछ इतनी ज्यादा खास थी नहीं। अगर आप इसका ये देखते हैं तो ये दब गया है थोड़ा सा, हल्का सा, लेकिन ज्यादा कुछ आपको इफेक्ट दिखेगा नहीं, क्योंकि ये एज अ बेड और एज अ सोफा दोनों भी बहुत ज्यादा यूज हुआ है। नीचे से आप देख सकते हो कि ये सब नॉर्मल है। अगर हम इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो अभी तक के कुछ भी नहीं हुआ इसको, बहुत अच्छे से चल रहा है ये। बस इसमें प्रॉब्लम ये हुई है, ये कैमरे में दिख रहा है कि पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स वगैरह या फिर कुछ तो भी लिक्विड वगैरह अगर गिर जाता है खाने पीने की चीज़ तो प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज आप इसको आराम से यहाँ से आप इसको ओपन करके आराम से इसके कवर वॉश कर सकते हो। ये कवर निकाल के बहुत अच्छे से वॉश करके आप इसको वापस से सब लगा सकते हो, तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। और अभी तक जितने लोगों ने भी इसको देखा यूज़ किया है उनका पॉजिटिव रिव्यू रहा है इस सोफा कम बेड के बारे में। और जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये हैंडलिंग में थोड़ा सा फट गया था, लेकिन वो जो फटा हुआ वो पीछे साइड है इसके, तो वो दिखता नहीं है इतना ज़्यादा। बेड बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, एक्चुअली ये अपोजिट साइड है। इसको मैंने क्या किया है कि ऐसे इसको इधर कन्वर्ट कर दिया है, तो ये बेड बन गया है। ये रफ साइड है, सॉफ्ट साइड नहीं है। अगर आपको सॉफ्ट साइड यूज़ करना है तो इसके पीछे साइड से आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसको आपको पूरा इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको अगर आपको वापस से सोफा बनाना है तो आप बस आप इसको ऐसे करके, इसको आप ऐसे करते हो तो ये ऐसे वापस से सोफा बन जाता है। इसको आप दोनों तरफ से यूज कर सकते हो, अगर एक तरफ से हार्ड साइज है दूसरी तरफ से सॉफ्ट है तो सॉफ्ट वाला आप एज अ बेड यूज करना, और किसी के सिर्फ बैठने के लिए यूज करना है जहां पर खाने पीने की चीजें आप रखने वाले हो तो उसका हार्ड साइड आप यूज कर सकते हो। कि यहां पर यूजुअली ऐसे गड्ढा पड़ जाता है, लेकिन ये स्पंज बहुत हाई क्वालिटी का स्पंज यूज हुआ है तो इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक के, और धूल वगैरह का भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हल्के से इसको टैप करते हो तो धूल वगैरह भी आपको इसको लगेगी नहीं। तो अगर आप इसको लेने का सोच रहे हो तो यू कैन बाय, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन बाय फ्रॉम देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।